हेलो गाइस, ये पार्ट टू है माँ लक्ष्मी ड्राइंग ट्यूटोरियल का। एंड इस पार्ट में मैं आपको कलर करना सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। इसमें मैं कवर करने वाली हूँ ज्वेलरी पार्ट, फेस पार्ट, जो भी स्किन पार्ट है एंड हेयर पार्ट, सब कुछ कैसे कलर करना है वो आप सीखोगे, तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। एंड इससे पहले मैं पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि मैं आपको आउटलाइन ड्राॅइंग सिखाई थी लक्ष्मी माता का। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना एंड कॉमेंट सेक्शन, वहाँ पर आपको पार्ट वन का लिंक मिल जाए। एंड यहाँ मैं लक्ष्मी माता को कलर करने वाली हूँ कलर पेंसिल से। एंड यहाँ मैं यूज करने वाली हूँ ये डोम्स का कलर पेंसिल, जो कि 200 रुपीज वाला है। एंड इसमें 100 रुपीज वाला भी कलर पेंसिल मेरे पास है, वो भी मैं यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे कलरिंग स्टार्ट करने से पहले हमको हल्का सा आउटलाइन ड्रॉइंग को इरेज कर लेना है। तो यहाँ पे आप कोई भी नॉर्मल इरेजर से इरेज कर लेना, मेरे पास यहाँ पे ये निडेबल इरेजर है, इससे मैं इरेज कर लूंगी हल्का सा आउटलाइन को। देन हम ले लेंगे यहाँ पे डोम्स कलर पेंसिल में से लाइट ब्राउन शेड का कलर पेंसिल, एंड उससे हम लोग यहाँ पे फिर से आउटलाइन ड्रॉइंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग आउटलाइन ड्रॉइंग कंप्लीट कर लेंगे फिर से, देन हम हल्का सा शेड करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे लाइक शैडो वाला पार्ट है वहाँ पे आप हल्का सा प्रेशर के साथ इस तरीके से लेयर ऐड करोगे लाइट ब्राउन का। एंड जहाँ पे आपको हाईलाइट ही दिखाना है वहाँ पे आप बिल्कुल लाइटली इस तरीके से शेड करना है। एंड जहाँ पे बिल्कुल ही हाईलाइट दिखाना है वहाँ पे आप बिल्कुल भी कलर नहीं करोगे, तो कुछ इस तरीके से करना है। एंड मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ, जो कि आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा एंड आप भी बहुत ईजिली लक्ष्मी को कलर कर पाओगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कर लेने के बाद हम सेकेंड कलर लिए हैं, जो कि पीच कलर यानी कि स्किन टोन कलर है। एंड इससे भी हमें सेम तरीके से करना है, जहाँ पे हमको लाइट दिखाना है वहाँ पे आप बिल्कुल लाइटली लेयर ऐड करोगे स्किन टोन का। एंड जहाँ पे आपको शैडो दिखाना है वहाँ पे आप हल्का सा प्रेशर यूज करके शेड करोगे। तो कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद हम थर्ड कलर यूज कर रहे हैं, जो कि ब्रूस्ट्रो का कलर पेंसिल है व्हाइट में। एंड इससे मैं कम्प्लीटली ब्लेंड करने वाली हूँ दो कलर को, जो कि हमने पहले यूज करा है। और यहाँ पे आप कोई भी कलर पेंसिल ले सकते हो व्हाइट में, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। बट यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ब्रूस्ट्रो का, जो कि काफी कम टाइम में ब्लेंड कर देता है, इजिली हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे रेड कलर पेंसिल लेंगे लाइट रेड। एंड जहाँ पे पिगमेंट दिखाना है चिक्स वाले पार्ट पे फॉरहेड, वहाँ पे हम लोग एक लेयर ऐड कर देंगे उससे। अब इसको हम लोग ब्लेंड कर देंगे स्किन टोन कलर पेंसिल से, सिंपली इस तरीके से हल्के हाथ से ब्लेंड कर लेना है। देन हमें यहाँ पे एक और शेड लेने वाले हैं, जो कि ऑरेंज है। एंड इससे हम लोग जहाँ पे हमको हल्का सा ना ऑरेंज दिखाना है रेफरेंस के अकॉर्डिंग, वहाँ पे हम लोग हल्का सा अप्लाई कर लेंगे। देन हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अगेन व्हाइट कलर पेंसिल से। अगेन यहाँ मैं ब्रूस्ट्रो का व्हाइट कलर पेंसिल यूज कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पे ये ईयरबड ली थी, इसमें मैं हल्का सा रेड ले ली थी। एंड उससे मैं इस तरीके से चिक्स वाले पार्ट पे, जो चिक्स पे रेडनेस होता है, वो मैं ऐड कर दी। अभी हम लोग करेंगे आईज वाले पार्ट को। तो यहाँ पे ब्लैक डायरेक्टली नहीं यूज करना है, पहले आप ब्राउन यूज करना एंड जो भी ब्लैक वाला पार्ट है उस पर आप काम कर लेना। ऊपर की तरफ रेड और व्हाइट इस तरीके से मैं यूज कर रही हूँ, मिक्स करके पिंक थोड़ा क्रिएट कर दी हूँ ऊपर की तरफ आई शैडो में। आईब्रो के नीचे व्हाइट होता है, तो यहाँ पे आपको व्हाइट कलर पेंसिल से हल्का सा ब्लेंड कर लेना, ताकि वहाँ पे हाईलाइट दिख सके। तो इस तरीके से कर लेने के बाद हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आईबॉल का कलर आपको ब्राउन रखना है एंड लास्ट में जाकर आप ब्लैक कलर पेंसिल यूज करोगे एंड आईलेसेस वगैरह बना दोगे। जो भी आपको डिटेल में काम करना है वो आप कर सकते हो लास्ट में। देन यहाँ मैं आईब्रो भी बना ली, बहुत ही सिंपल था। यहाँ मैं ब्राउन पहले यूज़ करी एंड जहाँ पे डार्क दिखाना हमें ब्लैक यूज़ करी, सबको मिक्स कर दी अच्छे से। तो बहुत ही सिंपल सा था ये आई ड्राइंग। देन हम लोग यहाँ पे चिक्स वाले पार्ट पे अच्छे से काम करेंगे लाइक, और यहाँ पे पिंक दिखाने का जरूरत था, तो यहाँ मैं हल्का सा रेड यूज़ करी, पिंक यूज़ करी, अच्छे से ब्लेंड कर दी व्हाइट कलर पेंसिल से। फेस बहुत ही छोटा है, तो आपको यहाँ पे अपना पेंसिल शार्प रखना है, तभी आप इस तरीके से डिटेल में काम कर पाओगे। तो अभी ऑलमोस्ट हाफ पार्ट कंप्लीट है, जो भी हाईलाइट दिखाना है उसके लिए आप व्हाइट जेल पेन यूज कर सकते हो। चिक्स वाले पार्ट पे पिंक दिखाने के लिए यहाँ मैं ब्रश पेन यूज कर रही हूँ, कैमल ब्रांड का ये लाइट पिंक शेड है, बहुत अच्छा सा। इसको मैं यूज करके हल्का सा अप्लाई करके हल्का सा ब्लेंड कर दी थी कॉटन बर्ड से, तो काफी अच्छा दिख रहा है। और इसी को मैं सेम ऐड कर रही हूँ लिप्स के ऊपर भी एज अ बेस लेयर। बेस लेयर काफी अच्छा आता है ये लाइट पिंक का। देन हम लोग और डिटेल में काम कर लेंगे बाद में। थोड़ा बहुत मैं नोज पे वर्क करी थी, हल्का सा मैं रेड अप्लाई करी, ब्राउन अप्लाई करी। अभी ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है फेस, अभी सेकंड आई हम बना लेंगे, देन हम लिप्स भी कंप्लीट कर लेंगे। तो सेकंड आई भी बिल्कुल सिमिलर ही है, तो अभी आप वीडियो देखो, ऑब्जर्व करो एंड खुद से ट्राई करो बनाने का। Thank you.
अभी सेकंड आई भी कंप्लीट हो गया था, तो अभी मैं नोज पे हल्का सा और शैडो ऐड कर दी हूँ। सिंपली यहाँ मैं पहले रेड यूज़ करी, देन ब्लेंड कर दी, वाइट से ब्लैक यूज़ करी जहाँ मुझे डार्क दिखाना था, ब्राउन यूज़ कर रही हूँ जहाँ पे हल्का सा और शैडो दिखाना है। इस तरीके से नोज कंप्लीट है। अभी हम करेंगे लिप्स पार्ट। तो लिप्स का जो बेस लेयर है वो लाइट पिंक का है ब्रश पेन से, देन अभी रेड कलर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ एंड जहाँ मुझे शैडो दिखाना है हल्का सा वहाँ मैं इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। जो लिप्स के ऊपर स्किन है वहाँ पे हल्का सा जहाँ मुझे रेड चाहिए था रेड में शेड करी, देन व्हाइट से ब्लेंड कर दी एंड जो भी स्किन का टेक्चर है वो मैं दिखाई हूँ। सिंपली ब्रश पेन में यहाँ मैं यूज कर रही हूँ रेड एंड जहाँ पे एक्स्ट्रा पिगमेंट मुझे चाहिए ना रेड में वहाँ मैं सिंपली इस तरीके से यूज कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ कलर पेंसिल की हेल्प से। जहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट क्रिएट करना है वहाँ मैं ब्लैक कलर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, हाईलाइट दिखाने के लिए यहाँ मैं व्हाइटनर यूज़ करी थी। अभी फेस पार्ट कंप्लीट है लक्ष्मी माता का, तो अभी हम लोग करेंगे नेक वाला पार्ट। नेक वाला पार्ट बिल्कुल सिमिलर रहेगा फेस की तरह ही, बस यहाँ पे जो नेक वाला पार्ट है वो हल्का डार्क रहेगा फेस से क्योंकि नीचे की तरफ शैडो पड़ेगा नेक के ऊपर, इसलिए हल्का डार्क रहेगा। तो हल्का सा बस डार्क दिखाना है, इसके लिए आप रेफरेंस इमेज आप ऑब्जर्व करो लाइक कहाँ पे शैडो बन रहा है कैसा कलर दिख रहा है, तो उसको आपको ऑब्जर्व करके कर लेना है सिंपली। तो अभी फेस पार्ट कंप्लीट है, अभी हम लोग करेंगे हेयर वाला पार्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आउटलाइन ड्राइंग कर लेना है लाइट ब्राउन से इयररिंग वाले पार्ट को ताकि कोई मिस्टेक ना हो एंड हमारे ध्यान में रहे कि यहाँ पे इयररिंग वाला पार्ट है। देन यहाँ पे हम लोग ब्लैक कलर पेंसिल लेंगे और नेक और फेस के आसपास वाले एरिया पे सिंपली वो कलर कर देना क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही ब्लैक रहेगा, तो इस तरीके से कलर कर लेना है एंड ऊपर की तरफ इस तरीके से हेयर का स्ट्रोक्स लगा देना है। यहाँ पे हम लोग हेयर ड्राइंग करने वाले हैं तो यहाँ मैं ब्लैक से ही स्टार्ट कर रही हूँ एंड इसको मैं यूज़ करके जो हेयर का स्ट्रक्चर है जिस तरीके का दिख रहा है वेव हेयर है वो मैं इस तरीके से एक शेप क्रिएट कर दी हूँ। देन यहाँ पे मैंने ली हूँ ऑरेंज और ऑरेंज आपको बाहर की साइड यूज़ करना है क्योंकि वहाँ पे लाइट आएगा तो जो हेयर का कलर है वो दिखेगा। तो बाहर की साइड हम लोग ऑरेंज यूज़ करें, अंदर की साइड ब्लैक यूज़ करें और बीच में हम लोग ब्राउन यूज़ कर लेंगे एंड सेम इसी ब्राउन से हम लोग ब्लैक वाले पार्ट को ब्लेंड भी कर देंगे, साथ में जो हेयर का स्ट्रक्चर है इस तरीके से वेव वाला स्ट्रक्चर भी हम दिखा देंगे एंड जहाँ पे हमको बिल्कुल ही डार्क दिखाना है वहाँ पे हम लोग फिर से ब्लैक यूज़ करके हल्का सा शेड करेंगे एंड स्ट्रक्चर दिखाना इंपॉर्टेंट है तो आप जितना अच्छे से क्रिएट कर सको उतना अच्छा। सिंपली इस तरीके से वेव क्रिएट कर देना है। यहाँ पे लाइट ब्राउन से सबको अच्छे से ब्लेंड कर दी, ऑरेंज ब्राउन और ब्लैक सबको ही ब्लेंड कर दी एंड जो भी स्ट्रक्चर है वो मैं फिर से इस तरीके से क्रिएट कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा बेस अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अभी और डिटेल में काम करना है अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद। तो यहाँ पे आप नाइफ यूज़ कर सकते हो एंड इससे हम लोग इस तरीके से जब स्क्रैच करेंगे ना तो इस तरीके से हाईलाइट हल्का सा क्रिएट हो जाता है। अगर पर नहीं क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब आप सही से काम नहीं कर रहे हो लाइट टू डार्क में, इसलिए नहीं हो रहा होगा, बट अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा है। एंड इसके बाद हम लोग लेंगे ब्रूस्टर का वाइट कलर पेंसिल एंड इसकी हेल्प से जहाँ पे हमको हाईलाइट दिखाना है सिंपली इस तरीके से वाइट से ब्लेंड करने का ट्राई करेंगे तो हाईलाइट अच्छा खासा आ जाता है एंड बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आ पाता है। तो इस तरीके से हमको हेयर पार्ट करना है लक्ष्मी माता जी का। और अभी जो लोटस लगा हुआ है हेयर वाले पार्ट पे वो कैसे करना है वो आप समझ लो। सिंपली आपको ये ब्रश पिन ले लेना है, कोई भी ब्रांड का चलेगा। यहाँ मेरे पास ये लाइट पिंक ब्रश पिन है कैमलिन ब्रांड का, इसको मैं इस तरीके से जो लोटस का स्ट्रक्चर है वो बहुत ईजिली क्रिएट हो जाता है। सिंपली इस तरीके से आपको स्ट्रोक लगा लेना है, इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाएगा लोटस का। देन आपको कलर पेंसिल ले लेना है रेड एंड जहाँ पे आपको शैडो क्रिएट करना है सिंपली आप उस तरीके से ऐड कर दोगे। तो इस तरीके से बहुत ही ईजिली आप लोटस क्रिएट कर सकते हो हेयर वाले पार्ट का। अभी हम लोग सेम तरीके से कर लेंगे जो सेकंड हेयर है दूसरे साइड वाला वो भी हम लोग कर लेंगे। सेम तरीके से करना है, ब्लैक पहले यूज़ करना है, बाहर की साइड आपको ऑरेंज यूज़ करना है, बीच वाले पार्ट में आपको ब्राउन यूज़ करना है। तो बिल्कुल सिमिलर रहेगा, तो आप देखो कैसे हो रहा है ना, आप भी ट्राई करना करने का।
नेक्स्ट अभी मैं करने वाली हूँ ईयर रिंग वाले पार्ट को। तो यहाँ मैं सिंपली यूज़ कर रही हूँ ब्रश पेन येलो कलर में एंड उसको मैं बेस लेयर में ऐड कर दी नीचे की तरफ वाइट। इस तरीके से मोती बनाना तो पहले मैं यहाँ पे क्या करी कि ग्रे यूज़ करी, देन हल्का सा मैं ब्लेंड कर दी वाइट से, देन मैं ब्लैक यूज़ करके हल्का सा शैडो क्रिएट कर दी। अभी हम लोग और डिटेल में काम करेंगे ज्वेलरी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको वाइट यूज़ करना है, जो आप येलो ब्रश पेन ऐड कर रहे हो वहाँ पे वाइट बहुत ही ईजिली दिख सकता है, तो वाइट यूज़ करके साइन दिखा देंगे, ऑरेंज यूज़ करेंगे, ब्राउन यूज़ करेंगे एंड जो गोल्ड का इफेक्ट है वो आपको दिखा देना है सिंपली। एंड जो भी हाईलाइट वगैरह क्रिएट करना है वो आप वाइटनर से कर सकते हो, एक्रेलिक पेंट यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ईजिली हो जाएगा। अभी और डिज़ाइन पर काम करना है तो उसके लिए आप ब्राउन या फिर ब्लैक कलर पेंसिल यूज़ करके इस तरीके से डिज़ाइन ऐड कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। तो इस तरीके से सिंपली ईयर रिंग पार्ट कर लेना है। यहाँ मैं व्हाइटनर यूज़ कर रही हूँ एंड इस तरीके से डॉट डॉट क्रिएट कर दे रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। इसलिए अब अगेन व्हाइटनर यूज़ करना है तो एक्रेलिक पेंट बहुत ईजिली काम चल जाएगा आपका। अभी हम लोग करेंगे लक्ष्मी माता का मुकुट वाला पार्ट। तो यहाँ मैं अगेन ये ब्रश पेन ही यूज़ कर रही हूँ येलो कलर में एंड सिंपली इस तरीके से आपको बेस लेयर क्रिएट कर देना है पूरे मुकुट वाले पार्ट पे। एंड इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है, इससे एक तो आपका काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, साथ में काफ़ी ईजिली बन जाता है एंड काफ़ी रियलिस्टिक भी लगता है देखने में। अभी जो भी स्टोन है वो सब हम बनाएंगे। तो नीचे की तरफ ये ग्रीन स्टोन था तो यहाँ पे ग्रीन कलर पेंसिल मैं यूज़ करी। मुकुट में यहाँ पे ये ड्रॉप शेप में जो स्टोन है रेड में वो मैं क्रिएट करी, साथ में जो भी डॉट है ग्रीन में रेड में वो भी हम ऐड कर देंगे। ब्रश पेन या फिर कलर पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। देन हम यहाँ पे कलर पेंसिल यूज़ करेंगे ब्रूस्ट्रो का वाइट कलर पेंसिल एंड इससे हमको जहाँ पे हाईलाइट दिखाना है, चमक दिखाना है मुकुट वाले पार्ट पर, सिंपली आप वहाँ पे यूज़ करोगे वाइट को एंड काफ़ी अच्छा ये वाइट दिखता है। इसलिए मैं यूज़ करती हूँ ब्रश पेन बेस लेयर में येलो का ताकि काम बहुत जल्दी हो सके। अब इसके बाद काम आसान है, सिंपली आपको ऑरेंज ले लेना है ऑरेंज कलर पेंसिल एंड जहाँ पे आपको इस तरीके से ऑरेंज बिल्कुल दिखाना है वहाँ पे आप सिंपली शेड करो, जहाँ पे आपको लाइटली दिखाना है वहाँ पे आप लाइटली ऑरेंज से शेड कर लो, साथ में जो डिज़ाइन है वो भी आपको क्रिएट करते जाना है। तो ऑरेंज से इस तरीके से काम कर लेने के बाद आपको लेना है येलो एंड सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है कम्प्लीटली अच्छे से, जो हम लोग व्हाइट पहले यूज़ कर रहे थे ऑरेंज यूज़ करे सबको ब्लेंड कर लेना है। अब इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे डार्क ब्राउन एंड इसको आपको बस शैडो वाले पार्ट पे यूज़ करना है जहाँ पे आपको शैडो दिखाना है। शैडो हमेशा कॉर्नर पे होता है, इसके लिए आप रेफरेंस इमेज ऑब्जर्व करो कि कहाँ पे डार्क दिख रहा है फिर ब्राउन आपको दिख रहा है, सिंपली आप वहीं पे यूज़ करोगे शेड करोगे। साथ में जो डिज़ाइन है मुकुट के ऊपर जो भी डिज़ाइन है लाइंस वगैरह है सर्कल्स है उस पर भी आपको ब्राउन को यूज़ करना है ताकि जो डिज़ाइन है वो अच्छे से दिख सके। तो आपको कुछ इस तरीके से काम करना है, जो भी आप इस तरीके से ज्वेलरी वाला पार्ट बनाओगे ना वहाँ पर शैडो हाईलाइट और जो मीड टोन है या फिर जो भी मीड का कलर है वो सब दिखाना ज़रूरी है, इसी से आपका काम रियलिस्टिक लगता है। तो इस तरीके से कर लेंगे सिंपली। तो ब्राउन से डिटेलिंग कर लेने के बाद यहाँ अगेन मैं येलो यूज़ करी एंड सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर दी ताकि बिल्कुल स्मूथ दिखे। एंड इसके बाद अभी हम लोग और डिटेल में काम करेंगे। ब्लैक कलर पेंसिल मैं ली हूँ शार्प कर ली थी एंड जो डिज़ाइन नीचे की तरफ सर्कल्स वगैरह थे वो मैं क्रिएट करी, साथ में जो मुकुट वाला पार्ट है जहाँ पर बिल्कुल ही हमको डार्क दिखाना है डिज़ाइंस पे या फिर कहीं पर भी सिंपली आपको वहीं पर यूज़ कर लेना है ब्लैक को एंड जो भी डिज़ाइन है सिंपली आपको उसको आप सही से दिखा सकते हो ब्लैक कलर पेंसिल के हेल्प से। अभी लास्टली हम लोग हाईलाइट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ मैं व्हाइटनर यूज़ करी, इससे मैं डॉट वगैरह जहाँ भी मुझे चाहिए सिंपली वहाँ मैं ऐड कर दी हूँ। तो इस तरीके से मुकुट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है जो कि काफ़ी सही लग रहा है। अभी हम लोग हैंड वाला पार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ मैं पहले आउटलाइन ड्रॉइंग करी हूँ ऑरेंज कलर पेंसिल से, अच्छे से आपको इरेज कर लेना है, आउटलाइन बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, ग्रेफाइट नहीं होना चाहिए पेपर के ऊपर, तो इरेज कर लेना है एंड ऑरेंज कलर पेंसिल से आपको आउटलाइन ड्रॉइंग कर लेना है। अभी बिल्कुल प्रोसेस सेम होने वाला है जैसे कि हम लोग फेस पार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सेम सेट से आपको हैंड वाला पार्ट करना है, जो भी ज्वेलरी वाला पार्ट है एंड हेयर वाला पार्ट है सब कुछ। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ कि पहले अगेन येलो यूज़ कर रही हूँ येलो ब्रश पे एंड जो भी मुझे येलो दिखाना है हैंड वाले पार्ट पे वहाँ मैं इस तरीके से येलो सिंपली ऐड कर दी हूँ। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ एक हाथ का, फिर बाकी सब आप खुद से कर लेना, बाकी सब बिल्कुल सिमिलर ही रहने वाला है। तो यहाँ मैं सबसे पहले ली हूँ लाइट ब्राउन एंड जहाँ मुझे शैडो दिखाना है सिंपली वहाँ मैं
इस तरीके से शेड कर दी हूँ। ऐसा हम लोग फेस पार्ट में भी कर रहे होंगे स्टार्टिंग में, आपको याद होगा तो जहाँ शैडो हमको दिखाना है वहाँ पे आप ज़्यादा ब्राउन यूज़ करोगे, लाइट ब्राउन, एंड जहाँ पे हमको हाईलाइटिंग दिखाना है वहाँ पे आप बिल्कुल लाइटली करोगे। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा कलर रेड, एंड जहाँ पे आपको पिगमेंट दिखाना है सिंपली आपको वहीं पे इसको यूज़ कर लेना है इस तरीके से। काफ़ी सिंपल है, तो इस तरीके से कर लेंगे। अब इसके बाद हम स्किन टोन यूज़ कर लेंगे, देन ब्लेंड कर लेना है वाइट कलर पेंसिल से, देन धीरे धीरे और काम करेंगे, अगेन रेड यूज़ करेंगे, ब्राउन यूज़ करेंगे, एंड बिल्कुल आपको सिमिलर शेड दिखाना है जैसा कि आप फेस पे दिखाए हो, स्किन का बिल्कुल मैचिंग होना चाहिए, देन काफ़ी सही लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको करना होगा। और ज्वेलरी पार्ट का भी बिल्कुल सिमिलर ही रहेगा जैसा कि हम लोग ऊपर का पार्ट का करे थे, मुकुट का, इयर रिंग का, बिल्कुल सेम ही रहेगा। और मैं आलता हाथ पे लगा दी थी तो उसके लिए मैं ब्रश पेन यूज़ कर रही थी रेड में, एंड सिंपली मैं कलर कर दी थी, सर्कल्स क्रिएट करी, एंड जो फिंगर है वहाँ मैं हाफ कलर कर दी थी। तो बहुत ही ईजी, आप चाहो तो कर सकते हो, काफ़ी सही लगता है देखने में। तो इस तरीके से आपको बाकी सब भी हैंड वाला पार्ट करना है एंड हेयर पार्ट भी करना है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, समझना कैसे मैं कर रही हूँ, सारा कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेम टेक्निक से मैं सारा कुछ आगे भी करने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखना, नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी जिसमें कि हम लोग क्लॉथ पार्ट एंड बैकग्राउंड का पार्ट करने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड, एंड हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लो विद नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख कर बना सको। हो सके तो वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग ड्रॉ करना सीख सके, इस तरीके का डिटेल वर्क कैसे करना है वो लोग फ्री में सीख सकते हैं अगर आप ये वीडियो को शेयर करोगे एंड काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचाओगे। तो मिलते हो नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।